सुप्रभातम प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी, कक्षा 5, विषय संस्कृत, पाठ 3 के पुनः अभ्यास कार्य में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज से हम पुनः अभ्यास कार्य यानी आपके PT2 का पुनः अभ्यास शुरू करेंगे, यानी रिवीजन वर्क शुरू करेंगे। PT2 आपके शुरू होने वाले हैं, आपको सूचना दे दी गई है, आपको डेट शीट भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो चलिए हम समझते हैं कि पुनः अभ्यास हम कैसे करते हैं। हमारा पार्ट 3 से हम शुरू कर रहे हैं, सिलेबस भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, शायद आज मिल जाएगा। तो हमारा पार्ट 3 का क्या नाम है? नपुंसक लिंग। कौन सा? अकारांत नपुंसक लिंग। और नपुंसक लिंग आप सभी जानते हैं कि क्या होता है। जो शब्द न तो स्त्री जाति के होते हैं न पुरुष जाति के होते हैं, बल्कि वो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम नपुंसक लिंग कहते हैं। चलिए बच्चों, हम समझते हैं इसमें इसका अभ्यास कार्य कि आपको किस तरीके से करना है। हमारा प्रश्न का, ये आपको मैं पेपर की तरह समझा रही हूं, ये प्रश्न नंबर समझो नहीं का, ये प्रश्न का नंबर 1। शब्दों को संस्कृत में लिखिए। यानी शब्दों को संस्कृत में लिखिए। अभी हम यहां शब्द लिखेंगे, फिर उन्हें हमें संस्कृत में लिखना है। हमने लिखा गृहम, यानी हम लिखते हैं यहां पर पुस्तकें, क्योंकि हमें संस्कृत में लिखना है। बाद में आपको हम, अभी पहले हम संस्कृत में लिखते हैं, उसके बाद में हम आपको हिंदी में लिखना समझाएंगे कि हिंदी में भी किस तरीके से लिखते हैं। अनेक पुस्तकें, अनेक पुस्तकें, दो पत्ते, दो पत्ते, आम, अनेक चित्र, तिनका, अनेक पिंजरे, अनेक पिंजरे। तो हमने यहां क्या लिखा? अनेक पुस्तकें, दो पत्ते, आम, अनेक चित्र, तिनका और पिंजरे। ये हमने क्या लिखा? हिंदी में। अब हम इसको अनेक पुस्तकें क्या कहते हैं? अनेक पुस्तकें के लिए एक पुस्तक यानी पुस्तकम, दो पुस्तक पुस्तकें और अनेक पुस्तक पुस्तकानी। तो क्या लिखेंगे हम? पुस्तकानी, दो पत्ते। तो क्या लिखेंगे? पत्रे, यानी दो पत्ते। आम, आम्रम, यानी आम्रम, आम। जो अभी आम का मौसम चला हुआ है, आप सभी बच्चे बहुत आम खाते होंगे पसंद से। आम्रम यानी आम। अनेक चित्र यानी चित्राणी, चित्राणी, तिनका। क्या कहते हैं तिनके को? तृणम्। तृणम्,
अनेक पिंजरे यानी पंजराणी। चलिए समझते हैं, शब्दों को संस्कृत में लिखिए। यह हमने हिंदी में लिख दिया, आपने इनको संस्कृत में लिखा है। अनेक पुस्तकें पुस्तकानि, दो पत्ते पत्रे, आम आम्रम, अनेक चित्र यानी चित्राणी, तिनका तृणम, अनेक पिंजरे पंजराणी, यानी हमने शब्दों को संस्कृत में लिखा। अब हम इसी तरीके से शब्दों को हिंदी में लिखेंगे। अभी हम यह संस्कृत की जगह हिंदी लिख देते हैं। शब्दों को हिंदी में लिखिए। ग्रहम, फलानी, कंदुके, चक्रे, पादत्राणम, और पुष्पाणी। तो हमने यहां पर क्या लिखा, अब इन शब्दों को हमने संस्कृत में लिख लिया और अब इनकी आप हिंदी यानी हम इसकी हिंदी लिखेंगे। गृह किसको बोलते हैं, घर को बोलते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, घर। फलानी यानी बहुत सारे फल, अनेक फल। अनेक फल। कंदुके यानी दो गेंदे। दो गेंद। चक्रे यानी दो पहिए। पादत्राणम यानी जूते। और पुष्पाणि, अनेक फूल। चलिए समझते हैं बच्चों कैसे हमें इसको हिंदी में लिखना है। गृहम यदि एक वचन है तो घर। फलानि यानी बहुवचन, अनेक फल। कंदुके यानी द्विवचन, दो गेंद। चक्रे यानी द्विवचन हो गया, दो पहिए। पाद त्राणम किसको बोलते हैं, जूते के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, जूता। पुष्पाणी फिर बहुवचन यानी अनेक फूल। सभी बच्चे हिंदी का संस्कृत लिखिए और संस्कृत का हिंदी लिखिए, दोनों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न का रिक्त स्थान भरिए, तो कैसे भरिए, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, हमें यानी वचन के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करना है। यानी जहां आपने देखा यहां द्विवचन में नहीं लिखा, यहां पर बहुवचन में नहीं लिखा हुआ है, यहां पर एक वचन में नहीं लिखा, तो जहां जिस वचन का नहीं लिखा हमें उसी को पूरा करना है। नक्षत्रम, और यहां लिखा है नक्षत्राणि, यानी एक वचन और बहुवचन, तो बीच में द्विवचन क्या होगा, नक्षत्रम एक तारा। नक्षत्रे यानी दो तारे, और नक्षत्राणी हमारा क्या हो गया, ये मित्रम एक दोस्त। अब क्या होगा इसका द्विवचन, मित्रे और मित्राणी। यहां क्या लिखा है, शाकानी यानी बहुत सारी सब्जी या शाक, तो क्या लिखेंगे हमें, एक वचन में शाकम
शाकानि आम्रा एकाम, आम्रे दो आम और आम्राणी यानी अनेकाम बहुत से आम। भोजने तो क्या होगा, भोजनम। भोजनम भोजने, भोजनानि चलिए समझते हैं बच्चों, ये वचन दिए हुए हैं तीनों, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, इसी के अनुसार हमने इनको रिक्त स्थानों को भरा है। नक्षत्रम नक्षत्रे नक्षत्राणी, मित्रम मित्रे मित्राणी, शाकम शाके शाकानी, आम्रम आम्रे आम्राणी, भोजनम भोजने भोजनानी। ये मैंने आपको समझाया है, सभी बच्चे इसका अध्ययन करेंगे, यानी पूरे पाठ का, पूरे पाठ तीन का आपको आपको याद करना है। बच्चों मिलान करिए, आपका प्रश्न है अर्थेन सह मेलयत, यानी अर्थ के साथ मिलाइए जिसका जहां पर अर्थ हो रहा है। जैसे दुग्धम, दुग्धम किसको बोलते हैं, दूध को बोलते हैं, तो हम क्या करेंगे, दूध से इसका मिलान करेंगे। पात्रम यानी बर्तन, पात्रम यानी बर्तन। संगणकम यानी कंप्यूटर, क्या हुआ, कंप्यूटर। पाटलम यानी गुलाब, और सयुतम थैला। तो हमने इनको अर्थ के साथ मिलान किया, दुग्धम दूध, पात्रम बर्तन, संगणकम कंप्यूटर, पाटलम गुलाब और सयुतम थैला। सभी बच्चे पूरे पाठ का अध्ययन करेंगे, किसका, पूरे पाठ का। मैंने आपको ज्यादातर पाठ समझा दिया है बेटा, कल हम इसे अगले पाठ का अध्ययन शुरू करेंगे। धन्यवाद।